हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज बी को परफेक्ट। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से इकोनॉमिक्स 4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू विल यूजुअली फाइंड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियोज में भी कुछ इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली बैंकिंग से, वो किया था। तो ऐसे ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी इकोनॉमिक्स आती है, बैंकिंग के अलावा जो और भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको आगे भी वीडियो में देता रहूँगा इसी तरीके से। बट प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि बच्चों की हेल्प हो सके, लोगों की हेल्प हो सके, स्पेशली उन बच्चों की जो अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, आज कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से हैं, बोर्ड पे आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जब मैं इनका आंसर भी लिख दूं तब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उससे है, उसमें से जो अगर प्लानिंग जो चैप्टर है उससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इट मीन्स इकोनॉमी के बारे में प्लान करना कि व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू इन कमिंग ईयर्स, आने वाले ईयर्स में गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेने जा रही है, किस तरीके से अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ है डेवलप करेगी, तो उनके लिए क्या करती है, हमारी इकोनॉमी क्या बनाती है, प्लान बनाती है। तो इकोनॉमी में प्लान कौन बनाता है, कौन उसका चेयरपर्सन है, कब से स्टार्ट हुए थे, कौन सा प्लान चल रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन माई वीडियो टुडे। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन चलो पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर थोड़ी हिस्ट्री बताते रहेंगे आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि पहले तो ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो किस टाइप की इकोनॉमी है। होने को तो इकोनॉमी का मीनिंग भी यहाँ पे मुझे क्लियर करना चाहिए बट वो कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमारा जो एरिया है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वही हमारी इकोनॉमी होती है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम होता है, अलग अलग नेशन की जो इकोनॉमी है वहाँ अलग अलग सिस्टम फॉलो करते हैं। तो जैसे इंडिया की बात करें कि हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की है, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शंस गिवन होंगे बट मैं तो यहाँ आपको एक ही ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, आपको सीधा आंसर ही बताऊंगा। बेसिकली 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। वैसे एक हमारी सोशलिज्म टाइप होता है, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड, मतलब ये 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी हमारी कौन सी है, इसमें से मिक्स्ड जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारा कौन सा है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, मिक्स्ड क्यों है ये रटने वाली बात नहीं है, आप इजीली लर्न कर सकते हो। मिक्स्ड इकोनॉमी हम उसको बोलते हैं जिसमें इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे करें, किसके लिए करें, कब करें, क्या करें, इन चीज़ों से जो रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, इनसे रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं हमारे नेशन में, प्राइवेट वाले भी लेते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट फर्म्स भी लेती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें, ठीक है। इसलिए हमारी इकोनॉमी को कैसे कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। क्योंकि आप इसका एग्जांपल ले लो, जो BSNL है गवर्नमेंट है और वोडाफोन एयरटेल प्राइवेट है, इसका मतलब नेटवर्किंग में दोनों ही सेक्टर यानी गवर्नमेंट भी और वो भी दोनों ही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए मिक्स्ड बोलते हैं। इसके अलावा थोड़ा ये भी डिस्कस कर लें कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है। बेसिकली सोशलिज्म वो इकोनॉमी होती है जिसमें इकोनॉमिक डिसीजंस प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं गवर्नमेंट लेती है सोशलिज्म इकोनॉमी में, ठीक है। कुछ नेशन आज भी ऐसे हैं जो स्मॉल नेशंस हैं, वहाँ गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है प्रोडक्शन क्या करना है, किन चीज़ों का करना है, क्या प्राइस रखना है, सारे डिसीजन। पब्लिक क्या करती है, फिर पब्लिक अपना काम करती है, उसमें काम ही तो चाहिए होता, प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन होता तब भी काम मिलता है, अगर गवर्नमेंट करे प्रोडक्शन तब भी काम मिलेगा पब्लिक को, तो ठीक है। बाकी मैं इसकी वो बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या सोशलिज्म की। कैपिटलिज्म उस इकोनॉमी को बोलते हैं जिसमें जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन कौन से, प्रोडक्शन से रिलेटेड, कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, ठीक है।
जैसे चाइनीज है, चाइना जो नेशन है वो सीम्स टू बी मतलब सिमिलर टू कैपिटलिज्म इकोनॉमी है उसकी, तो हालांकि अलग हिस्ट्री है फिर भी कैपिटलिज्म है, क्योंकि मोस्टली यूएसए है, यूएसए की बात करो ठीक है, जो यूएसए इकोनॉमी है, यूएसए में मोस्टली जो ये डिसीजन है ना प्रोसेस रिलेटेड वो सभी प्राइवेट लोगों के लिए छोड़े हैं, प्राइवेट फर्म के लिए छोड़े हैं, कि आप जो चाहते हो जो प्रोडक्शन करना चाहते हो बस उनका सुपरविजन करती है गवर्नमेंट, तो ऐसा भी एक सिस्टम फॉलो आप कर सकते हो। बट हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी तो मिक्सड है, गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है प्रोसेस रिलेटेड और प्राइवेट फर्म भी डिसीजन लेती हैं, इसलिए जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है, मिक्सड है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप, ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था कि इकोनॉमी में प्लानिंग की जाती है, ठीक है, क्यों करते हैं प्लानिंग, उसका रीजन बताया था कि आने वाले टाइम पीरियड में लिए आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड आप किस एरिया में वर्क करना चाहोगे उससे रिलेटेड क्या करती इकोनॉमी, प्लानिंग करती है। तो इस प्लानिंग के लिए कौन करता है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने नेम भी लिख दिया, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे नेक्स्ट वाला देखो आप, हु मेक्स प्लान्स इन इंडिया, इंडिया में प्लान कौन बनाता है, फाइव ईयर प्लान के बारे में आपने सुना होगा, फाइव ईयर की प्लानिंग करके चलते हैं, तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन ही, ठीक है, ये जो प्लानिंग कमीशन है ये प्लान बनाता है इंडिया के अंदर, थर्ड का आंसर। फिर ये प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया में कब सेटअप हुआ, तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था हमारा 15 मार्च, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है 1950 में, ठीक है, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950, ये इंपॉर्टेंट है ईयर, मोस्टली ईयर पूछा जाता है एग्जाम्स में अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कि जो प्लानिंग कमीशन है वो कब सेटअप हुआ था, 1950 में। नेक्स्ट वाले का भी आंसर हो गया इसी से, हु मेक्स प्लान्स इन इंडिया, इंडिया में प्लान कौन बनाता है, तो प्लानिंग कमीशन। बट रिमेंबर अब इस प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज हो गया है 2008 ईयर में इस प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज कर दिया, और वो क्या नेम दिया, वो नेम दिया नीति आयोग। तो आजकल प्लान कौन बनाता है, नीति आयोग बनाता है, प्लानिंग कमीशन का नेम बदल दिया, नीति आयोग कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा, अब नेम ही चेंज कर दिया है तो डेफिनेटली अगर ऑप्शंस की बात करें तो उसमें यही पूछा जाएगा कि हु मेक्स प्लान्स इन इंडिया, उसमें लिखा आएगा कि फाइनेंस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, नीति आयोग या कुछ और दे देंगे। जब नेम ही चेंज हो गया तो इसका मतलब अब नीति आयोग प्लान बनाता है, वो तो पहले नीति आयोग का जो नेम था वो प्लानिंग कमीशन था, तो हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि कब सेटअप हुआ था, तब तो प्लानिंग कमीशन नेम था ना, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग प्लान बनाता है इंडिया के अंदर। कब चेंज हुआ था, 2008 में इसका नेम चेंज कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्लानिंग कमीशन का, या ऐसे कह लो अब तो नेम ही चेंज कर दिया आपने, नीति आयोग है, इस नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है, तो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर बात करें तो अभी कौन है चेयरमैन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उस ड्यूरेशन में वो उसका चेयरपर्सन होता है, किसका, नीति आयोग का, या यू कैन से प्लानिंग कमीशन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि फाइव इयर्स की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं, ये जो प्लानिंग है ना जिसको प्लानिंग बोलते हैं, ये फाइव ईयर के प्लान करते हैं इंडिया में, फाइव ईयर प्लान्स के नाम से जानते हैं इनको। तो बेसिकली फाइव ईयर प्लान्स के लिए पहले इन्होंने एक वो डिपार्टमेंट कह लो, ठीक है,
एक डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, उसको नेम दिया इन्होंने प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में सेटअप किया था। तो इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने 5-year प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। कब कर दिए थे? 1 अप्रैल 1951 को इंडिया ने अपना फर्स्ट 5-year प्लान बनाया था अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आपको पता है कि 1947 तक तो इंडिया का कुछ था ही नहीं, इंडिपेंडेंस मिली थी आप लोगों को, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा, फिर उसको अप्लाई करने में टाइम लगा। तो फर्स्ट टाइम जो प्लानिंग की थी गवर्नमेंट ने, वो 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। उसको भी मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग? वैसे तो ऑप्शन होते एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंडियन आर्किटेक्ट, या इंडियन जो प्लानिंग है उसका आर्किटेक्ट किसको समझा जाता है। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो इसका नेम है प्रशांत चंद महालानोबिस, पीसी महालानोबिस के नेम से जानते हैं, महालानोबिस। ये इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट माना जाता है, ठीक है। यानी जब प्लानिंग स्टार्ट की थी, प्लान्स बनाए थे, तो इस बंदे ने हेल्प की थी, इस बंदे का आइडिया था एक तरीके से, हम ऐसा मान लेंगे। अकेला ये नहीं था, बहुत होंगे, बहुत सारे ग्रुप में, बट इसको नेम दिया गया। जैसे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को नेम दिया गया। अब ये तो नहीं बस महात्मा गांधी ने नेशन को बनाया है, नेशन को आजाद कराया था, बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही आप ये मत मान लेना कि अकेला ये था प्लानिंग करने वाला, बट ये इकोनॉमिस्ट है, एक पढ़ा लिखा बंदा था, ठीक है। तो इसको नेम दिया गया पीसी महालानोबिस को आर्किटेक्ट का नेम, कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज फर्स्ट 5-year प्लान मेड? अभी मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि आपको पता है, एज यू ऑल नो, कि इंडिया को आजादी मिली 1947 में, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम लगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है प्लानिंग कमीशन सेटअप किया 1950 में, बहुत इजी रहेगा रन करने को। फिर आखिरकार हमें प्लान अपना इम्प्लीमेंट करना था, तो 1 अप्रैल 1951 को फर्स्ट 5-year प्लान आखिरकार इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर दिया कि आने वाले 5 years में ये हमारे ऑब्जेक्टिव, ये हमारी प्लानिंग रहेगी, ये हमारा एरियाज रहेगा जहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1951 5-year का प्लान था, तो 1951 से 1956 ये टाइम पीरियड था हमारे फर्स्ट 5-year प्लान का। बाकी फिर 5 years ऐड करते जाओ, आपको सेकंड का भी टाइम पता चल जाएगा कब स्टार्ट हुआ, थर्ड का भी पता चल जाएगा, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूसली मैं ये नहीं कह सकता, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड की। अगर आपको ईयर लर्न करना है कि कौन से ईयर में सेकंड 5-year प्लान बनाया था, कौन से ईयर में थर्ड 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था, तो 5 5 years इसमें ऐड करते जाओ। तो सेकंड का टाइम पीरियड क्या होगा, 5 ऐड कर दो, यानी 1956 से लेके 5 years ऐड कर दो 1961 तक। थर्ड 1961 से लेके 1966 तक हमारा थर्ड 5-year प्लान था। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। इन 5-year प्लान्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, जो 5-5 साल के प्लान बनाए, क्योंकि इकोनॉमी में बीच बीच में प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी इनका पाकिस्तान से वॉर, कभी इनका चाइना से वॉर, कभी फिर अगेन पाकिस्तान से, इस तरीके की। और कई बार वैसी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आपको पता है अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो इकोनॉमी में प्रभाव तो पड़ा है बीच में। तो जब इन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अपने फिर जो प्लानिंग है ना, उसमें चेंज करते हैं। जैसे रियल लाइफ में आपके साथ भी तो ऐसा होता है, आपने प्लान बनाया कि कल मुझे वहाँ जाना है, सपोज करो सुबह कुछ घटना हो जाए, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, खराब हो जाए, तो प्लानिंग चेंज भी करनी पड़ती है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही इंडिया ने भी अपने जो प्लानिंग है उसको चेंज किया, ठीक है। तो बीच में कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया, वहाँ 1-1 साल के प्लान बनाए थे उन्होंने। अब ये कैसे लर्न करेंगे, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। खैर अभी तो हम 10 questions को इम्पोर्टेंट करेंगे, जब नेक्स्ट न्यू 10 questions के साथ आएंगे तब बताऊंगा कि कैसे लर्न करते हैं ईयर।
अभी ये तो विच ड्यूरेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान वॉज नोन एज प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे के नेम से जाना गया था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जैसे ना 1951-1956 ऐसे ही टाइम पीरियड था जिसको प्लान हॉलीडे के नाम से जाना गया। तो वो प्लान हॉलीडे क्या है, वो है 1966 से लेके 1969 का जो टाइम पीरियड था, ये जो ड्यूरेशन थी, इसको प्लान हॉलीडे का नेम दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था इंडिया का, उसकी वजह से इन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज की, इन्होंने एक एक साल के प्लान बनाए, 5 ईयर की प्लानिंग नहीं की, एक एक साल का प्लान किया, तो उस टाइम पीरियड को नेम दे दिया प्लान हॉलीडे। 1966 से लेके 1969 का जो ड्यूरेशन है उसको प्लान हॉलीडे के नेम से जाना जाता है इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट, 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, अब तक कितने प्लान बना दिए गए हैं, वैसे तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 5 ईयर्स के, ऐड करते जाओ, बट कैलकुलेशन गलत मिलेगी कुछ, ठीक है। फिर जो 12th 5 ईयर जो अभी चला हुआ है उसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बट अभी थोड़ी सी यहाँ पर रटने वाली बात, 13th 5 ईयर जो प्लान है, 13th 5 ईयर प्लान इज इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट, अभी जो प्लान चल रहा है फिलहाल वर्तमान में वो 13वां प्लान चल रहा है, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब 12 5 ईयर प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। 12 बना दिए हमने, 13th जो है इज इन द प्रोग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 2nd 5 ईयर प्लान, मैंने सेकेंड ही क्यों लिखा, फर्स्ट का जब अब तक 13 प्लान बना चुके हैं, 13वां चल रहा है, तो जो हमने 12 प्लान बनाए हैं इन प्लानिंग का एक बेसिस होता है, बेसिस किसी ना किसी के नेम पे कुछ एक मॉडल बेस किया है इन्होंने, किस बेस पे है, तो 12 5 ईयर प्लान्स किस किस बेस पे थे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन UPSC की बात करें उसमें भी नहीं पूछा जाएगा इतना तो कहीं से भी, बाकी फिर भी कम से कम लास्ट के 2 यानी 12वां 13वां, फर्स्ट और सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है कम से कम, चाहे किसी लेवल की आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनका पूछ लेते हैं कि ये हमारा जो 1st 5 ईयर प्लान 2nd 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था, उनमें से आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, और जो लास्ट वाले प्लान है उनका पूछ सकते हैं कि जो प्रेजेंट में जो प्लान चला हुआ वो किस मॉडल पे बेस्ड है। तो देखिए मैं आपको एक दो उसका नाम बताता हूँ, जो हमारा 1st 5 ईयर प्लान था, ये सेकंड का क्वेश्चन डाला मैंने, सेकंड तो था वैसे हमारा PC मालानो किस मॉडल पे, ठीक है, PC मालानो किस मॉडल पे, मैं बताता ना आर्किटेक्ट है तो इसके नाम पे भी, इसके मॉडल पे भी बेस किया गया। और पहला था हमारा हेरोड डोमर, मैं पहले का भी साथ में लिख रहा हूं, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, और दूसरा 5 ईयर प्लान PC महलानोबिस पे बेस्ड था, थर्ड जो 5 ईयर प्लान बनाया उन्होंने वो डोमर समृद्धि मॉडल करके कुछ नेम है, ऐसे नेम है इनके, इनको बोलते हैं मॉडल, कि किस मॉडल पे बेस्ड है 5 ईयर प्लान। तो ये फर्स्ट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये भी, और लास्ट के यानी 12th और 13th विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। सॉरी थोड़ा सा वो चेंज हो गया, ये इसका आंसर था, क्योंकि मैंने वो बस सेकंड पढ़ के देख लिया, मैंने ये नहीं देखा कि ये मॉडल वाला क्वेश्चन तो मैंने इधर डाला है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वॉज यूज फॉर द 1st 5 ईयर प्लान, तो ये इसका आंसर है, सेकंड का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वॉज यूज फॉर द सेकंड, तो PC महलानोबिस, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन कुछ अलग है हमारा, ऊपर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव, ऐसे हर प्लान के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर प्लान के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव था, वैसे तो एक मेन ऑब्जेक्टिव तो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, बट इनके अंदर भी तो है कुछ पर्टिकुलर, तो हर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, तो फर्स्ट प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव, सेकंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में।
ठीक है, तो इसका आंसर इधर हो जाएगा। इस एरो को मैं रफ करता हूँ क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विच मॉडल वॉज यूज फॉर फर्स्ट फाइव ग्राम, तो फर्स्ट फाइव ईयर के लिए हेरोड डोमर मॉडल। इस पे बेस्ड था। अब बात करें ऑब्जेक्टिव की, हर फाइव ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड का लर्न करना तो बहुत ईजी है। किसी फाइव ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन था, किसी फाइव ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, किसी का ग्रोथ विद सोशल इक्विटी यानी समानता के साथ ग्रोथ करना था, किसी का फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, ठीक है। बट पहले और दूसरे प्लान की बात करें तो कंट्री आज़ादी हुई थी जस्ट, आपको पता है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब पिछड़ी हुई इकोनॉमी है तो पहले तो हम उन जो पिछड़ा हुआ काम है उसी पे वर्क करेंगे। तो पहले सबसे पहले तो खेती ही पिछड़ी हुई थी, हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो भी बैकवर्ड था। तो इससे आप दो क्वेश्चंस का आप लर्न कर सकते हैं, दो क्वेश्चन बन जाएंगे इसी में से, कि जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर को डेवलप करना, फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। पहले पाँच साल में उन्होंने अपने एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया, ऐसी बात नहीं कि आजकल नहीं देते या बाद में नहीं दिया, बाद में भी दिया, बट मेन कौन सा था, सेकंड में दिया इन्होंने इंडस्ट्री पे, क्योंकि इंडस्ट्री हो एग्रीकल्चर हो सब पिछड़ा हुआ था हमारा। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे, सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान। तो आज के वीडियो में हमारे ये ही 10 क्वेश्चंस, 10 से 15 बन जाते हैं यहाँ से, और डिफरेंट टाइप से पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी फर्स्ट का सेकेंड का मॉडल भी आपको बता दिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से इसी चैप्टर में से 10 मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ आप देखिए इनको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए प्रीवियस ईयर्स के, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा। अगर इकोनॉमिक्स में से कहीं से क्वेश्चन आया है तो डेफिनेटली वो इनसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आज के लिए इतना ही, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you, Eva. Good day.